हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। बेटा ऑक्सिलरीज टू ट्रेड पर सारी बात खत्म हो चुकी है, एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। आपके नोट्स में भी गिवन है ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, जहां पर खत्म है बेटा उसके बाद एक टॉपिक गिवन है मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। सब सामने देख रहे हैं बेटा बाबू, जहां ऑक्सिलरीज टू ट्रेड खत्म हो रही है वहां एक टॉपिक गिवन है बेटा मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। ठीक है जी, सब सामने देखा। बेटा एक बात बताओ, जब आपने मुझसे सबसे पहला टॉपिक पढ़ा था बिजनेस के फीचर, वहां बेटा बिजनेस के फीचर में एक फीचर पढ़ा था प्रॉफिट अर्निंग, याद है आपको बाबू? ठीक है, बिजनेस का ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्निंग होता है, याद है? आपने डेफिनेशन में भी पढ़ी थी ये बात, बिजनेस के डेफिनेशन याद है? बिजनेस रेफर्स टू एन ऑक्यूपेशन इन विच पीपल रेगुलरली एंगेज इन एन एक्टिविटी ऑफ प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट, सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद अ व्यू टू अर्न प्रॉफिट। ठीक है, बिजनेस का मोटिव प्रॉफिट कमाना होता है, लेकिन बेटा यहां मुद्दा ये चल रहा है, क्या बिजनेस का सिर्फ एक ही मोटिव है? सिर्फ प्रॉफिट कमाना ही मोटिव है क्या? देखो टॉपिक का नाम है मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। बेटा बिजनेस एक सिंगल ऑब्जेक्टिव के लिए नहीं बना, नो डाउट प्रॉफिट इज द फॉरमोस्ट एंड द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी बिजनेस, सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव किसी भी बिजनेस का प्रॉफिट अर्निंग है। प्रॉफिट के बिना बेटा कोई सर्वाइवल, कोई ग्रोथ नहीं है। प्रॉफिट तो चाहिए चाहिए, लेकिन बेटा प्रॉफिट के अलावा भी बिजनेस सोचते हैं, ठीक है मैं प्रॉफिट कमाऊंगा लेकिन साथ साथ कुछ और भी चाहिए मुझे। टॉपिक का नाम समझ में आ रहा है, मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स, साथ ही साथ चाहिए मल्टीपल ऑब्जेक्टिव। ठीक है, प्रॉफिट पहला ऑब्जेक्टिव है, प्रॉफिट तो मैं अचीव करूंगा ही करूंगा, लेकिन प्रॉफिट के साथ साथ भी मुझे कुछ चाहिए। अब क्या चाहिए प्रॉफिट के साथ साथ, आराम से समझने की कोशिश करो बाबू। मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स हैं, पहला ऑब्जेक्टिव हो सकता है मार्केट स्टैंडिंग। बेटा सब सामने देखेंगे, मैंने किसी से पूछा और उसके बाद आपने आंसर ना करा तो फिर देखना क्या होगा आज। बेटा टॉपिक का नाम है मल्टीपल ऑब्जेक्टिव, पहला ऑब्जेक्टिव हमारा प्रॉफिट अर्निंग ही है, मैं उस पर चर्चा कम करूंगा। लिखा हुआ है नोट्स में प्रॉफिट अर्निंग एज इट इज। बेटा जो पहले टॉपिक में प्रॉफिट अर्निंग लिखा था सेम मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है इस टॉपिक में भी। ठीक है जी, अब बात को आगे बढ़ा रहा हूं बेटा मार्केट स्टैंडिंग की तरफ। सब सामने देखना और समझना जरा आराम से, क्या है मार्केट स्टैंडिंग। बेटा किसी को पता है मार्केट स्टैंडिंग का मतलब क्या होता है? आप में से किसी को पता है मार्केट स्टैंडिंग का मतलब क्या होता है? कोई एक, चलो सामने देखो फिर। बेटा मार्केट स्टैंडिंग का मतलब होता है मार्केट कैप्चरिंग। कुछ लोग कहते हैं मार्केट कैप्चरिंग, कुछ लोग कहते हैं कस्टमर बेस, बाबू कुछ लोग कहते हैं योर पोजीशन इन कंपैरिजन टू योर कॉम्पिटिटर। समझाने की कोशिश करता हूं बेटा आपको क्या मार्केट स्टैंडिंग का मतलब। बाबू एक बहुत दूर एग्जाम्पल में लेके जा रहा हूं मैं आपको, मैं बेटा बात करने जा रहा हूं ईयर 2006 की, 2006 की। ठीक है जी, 2006 में मैं बेटा एट क्लास में था। ठीक है, और उस टाइम पर ना मोबाइल फोन ना बड़ी तेजी से मार्केट में फैल रहे थे, ठीक है ना। लेकिन उस टाइम दो कंपनियां सबसे ज्यादा फेमस थी मोबाइल फोन बनाने की बेटा, वन इज टाटा इंडिकॉम, टाटा डोकोमो की बात नहीं कर रहा हूँ, शायद आपने तो नाम भी नहीं सुना होगा बेटा। एक कंपनी थी टाटा इंडिकॉम और दूसरी थी रिलायंस। उस टाइम पर जो सिम पॉपुलर थी मार्केट में बाबू, उन सिम को बोला जाता था सीडीएमए। किसी को पता है सीडीएमए सिम क्या होती है? नहीं बाबू, सीडीएमए सिम क्या होती थी बेटा, जिस कंपनी की सिम कार्ड है उसी कंपनी के फोन में डल सकती थी। ये 2006 की बात बता रहा हूं मैं आपको। दो ही पॉपुलर कंपनी थी, टाटा इंडिकॉम, यानी कि टाटा इंडिकॉम सिम भी बनाता होगा तभी उसके फोन में चलेगी, और दूसरी थे रिलायंस, सिम भी बनाता था, रिलायंस कम्युनिकेशन धंधा करती थी, कंपनी का नाम था रिलायंस कम्युनिकेशन। ठीक है बाबू, लगभग लगभग अगर मैं मार्केट शेयर की बात करूं तो बेटा इन दोनों के पास मार्केट शेयर था 50%। बेटा ये मार्केट शेयर क्या होता है? बेटा मार्केट शेयर कह लो, मार्केट स्टैंडिंग कह लो, मार्केट कैप्चरिंग कह लो, कंपनी
कस्टमर बेस कह लो, योर पोजीशन इन कंपैरिजन टू योर कॉम्पिटिटर कह लो, सब बातें एक जैसी है। माई सामने देख लो बेटा, ये सब की सब बातें बिल्कुल एक जैसी है। मैंने 5 वर्ड बोले बेटा। बहू आपको पता है ये 50% मार्केट शेयर होने का मतलब क्या है? यानी कि अगर 100 कस्टमर घर से निकलते थे तो 50 लोग टाटा इंडिकॉम का फोन ले आते थे और बेटा 50 लोग रिलायंस का फोन ले आते थे। इसको बोलते हैं मार्केट स्टैंडिंग, कि आपकी मार्केट में पोजीशन कैसी है, मार्केट कैप्चर कितनी कर रखी है, कितना कस्टमर है आपके पास। यानी कि बेटा अगर मोबाइल इंडस्ट्री की बात करूं तो 50% कस्टमर अकेला रिलायंस के पास था और बेटा 50% टाटा इंडिकॉम के पास। समझ में आ रहा मार्केट स्टैंडिंग क्या चीज होती है? बाबू अगले ही साल एंट्री करी सैमसंग ने, ठीक है, और कुछ फोन लॉन्च करे कीपैड फोन। उस टाइम तक मार्केट में जीएसएम सिम आ चुकी थी। जीएसएम सिम मतलब किसी भी कंपनी का सिम कार्ड हो, किसी भी कंपनी का फोन हो, सब चलेगा, ठीक है। 2006 तक कहानी सीडीएमए पर टिकी रही, उसके बाद बेटा जीएसएम का जमाना शुरू हो गया। कुछ कंपनीज भी आ गई मार्केट में जिसको आप आज आइडिया बोलते हो। आपको पता है पुरानी कंपनी का नाम क्या था? आइडिया का पुराना नाम क्या था? एस्कॉटेल। पता भी नहीं होगा, कंपनी का नाम था एस्कॉटेल, ESCOTEL, एस्कॉटेल बोलते थे। बाबू वोडाफोन का पुराना नाम पता है? एक सेकंड बाबू, वोडाफोन का पुराना नाम पता है किसी को? वोडाफोन का नाम था पुराना हच, HUTCH, ठीक है ना। पग ब्रीड फेमस करने वाला हच था। हच के बाद वोडाफोन ने एक्वायर करा, वो भी पग से ही ऐड करता था, ठीक है ना जी। तो सर ये जमाना था, ये 2007 में कंपनियां सब एंटर हो रही थी, एस्कॉटेल, हच, ये सब कंपनियों ने मार्केट बनानी शुरू कर दी। आपको पता है बेटा 2007 में ना कहीं जाकर नोकिया भी आने लगा। याद है कभी सुने नोकिया का नाम? नोकिया का नाम शायद सबने सुना है। दो फोन बड़े पॉपुलर हुए थे, 3315 और नोकिया 1100, मार्केट हिला दी थी, ब्लास्ट कर दी थी, अगर आपको पता हो तो। बेटा सब सामने देखते रहना, बेटा नोकिया ने मार्केट शेयर लगभग 10% छीन लिया था एक ही साल में। सैमसंग ने लगभग 5% मार्केट शेयर छीन लिया था इन दोनों से, और इनके पास मार्केट शेयर रह गया था 42.5% दोनों के पास ईच। सर भाई इस बात को समझने की कोशिश करो, जब नोकिया और सैमसंग मार्केट में आए और बाबू 10% कस्टमर बेस इनको मिला, 10% मार्केट शेयर हो गया। मार्केट शेयर का मतलब आप सब समझ रहे होंगे, 100 लोग बेटा निकलेंगे तो बेटा 10 लोग नोकिया का फोन खरीदेंगे, 100 लोग निकलेंगे तो 5 लोग सैमसंग का फोन खरीदेंगे, बाकी कस्टमर बटा हुआ है, कुछ सैमसंग कुछ रिलायंस का फोन खरीदते थे, कुछ बेटा टाटा इंडिकॉम का फोन खरीदते थे। बाबू एक बात बताना कुछ सोच समझ के, क्या आपको ये नहीं लगता कि नोकिया ने सिर्फ यही ऑब्जेक्टिव लिया होगा 2007 में कि मेरे को बस प्रॉफिट कमाना है? बस आपको नहीं लगता नोकिया ने ऐसा सोचा होगा कि प्रॉफिट तो कमाऊंगा, मुझे मार्केट भी कैप्चर करनी है, मुझे कस्टमर चाहिए बहुत सारा, मेरी मार्केट स्टैंडिंग तगड़ी होनी चाहिए, पूरी मार्केट को हिला के रख दूंगा। और बेटा हिला दी थी मार्केट, हिला ही दी थी। आपको पता है टाइम पर नोकिया का मार्केट शेयर 80% क्रॉस कर गया था, 100 लोग फोन लेने निकलते थे, 80 लोग नोकिया का फोन ले आते थे, एक टाइम ऐसा आ गया था। और आपको क्या लगता है सैमसंग ने बस ये एम लिया होगा, बस मैं प्रॉफिट कमा लूंगा, बस प्रॉफिट तो कमा ही रहा होगा 5% मार्केट शेयर में भी। नो डाउट प्रॉफिट इज द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी बिजनेस, पर बेटा सिर्फ क्या ये ऑब्जेक्टिव से काम चलेगा या धंधा चलेगा इस ऑब्जेक्टिव से? बेटा उस दिन शायद सैमसंग ने एक एम लिया होगा कि मुझे मेरी की मार्केट स्टैंडिंग 50% पहुंचानी है, 100 कस्टमर निकले घर से तो 50 लोग सैमसंग का फोन मांगने चाहिए। और बेटा एक वक्त ऐसा भी आया 2016-17 के आसपास का, जब बेटा मार्केट स्टैंडिंग सैमसंग की अप्रोक्सीमेटली 50% हो गई थी, 50% कस्टमर था सैमसंग के पास। खैर अब तो बहुत गिर गया क्योंकि कंपनीज बहुत सारी आ गई और एप्पल का तो एक ट्रेंड ही हो चुका है, वो स्टेटस सिंबल है, हर किसी को वो चाहिए। समझ में आ रहा है मार्केट स्टैंडिंग? अच्छा एक बात बताओ, मेरी तरफ देखते रहो, टेलीकॉम इंडस्ट्री की भी बात कर लेते हैं। बात करते हैं बेटा ईयर 2016,
2016 से पुरानी बात, टेलीकॉम्युनिकेशन इंडस्ट्री की। बेटा तीन कंपनियां बड़ी पॉपुलर, भारती एयरटेल, सारे जानते हैं एयरटेल का नाम, वोडाफोन अलग कंपनी थी उस टाइम पर, आइडिया एक अलग कंपनी थी उस टाइम पर, और छोटी मोटी कंपनियां बहुत, टाटा डोकोमो, यूनिनॉर और ब्ला ब्ला, एयरसेल, पता नहीं क्या क्या, ऐसे ही थे हालात, ऐसे ही थे हालात। ये तो आपने देखा है जमाना, ये तो जमाना आपने देखा है। बाबू सब मेरी तरफ देखना प्लीज। बेटा आपको पता है भारती एयरटेल के पास उस टाइम 25% शेयर था, लगभग 30% शेयर वोडाफोन के पास था, 20 से 25% शेयर बेटा आइडिया के पास था, रेस्ट बेटा इसमें सारी छोटी मोटी कंपनियां थी, वो टाटा डोकोमो भी थी, वो एयरसेल भी थी, वो यूनिनॉर भी थी, और भी कुछ छोटे मोटे ब्रांड मैं भूल रहा हूँ, वो भी थे सब। बाबू कहीं जाकर 2017 में रिलायंस जियो ने एंट्री करी। शिवम भाई सामने देख लो, अगर आप कोई हरकत हुई फिर मेरी तरफ से होगी। बाबू 2017 में जाके फिर जियो ने एंट्री करी। अच्छा एक बात बताओ, जियो जब मार्केट में आया तो मार्केट में सिर्फ एक एम था उसका, प्रॉफिट कमाना। रिलायंस को प्रॉफिट की कमी है? कोई कमी है रिलायंस के पास प्रॉफिट की? पता कितने करोड़ की कंपनी है, 15 लाख करोड़ की कंपनी है, 1 लाख करोड़ का प्रॉफिट होता है, कमी है क्या पैसों की उनके पास? आपको क्या लगता है सर, प्रॉफिट अर्निंग एक मोटो होता है? सर उसने एक एम बनाया, और आपको भी पता उस एम के पीछे कौन था, ठीक है ना, अनंत अंबानी, ईशा अंबानी, जियो 4G का प्रोडक्ट, ये पूरा प्रोडक्ट हैंडल नहीं करते मुकेश अंबानी जी, सब उनके बच्चे देखते हैं। उन्होंने यही एम बनाया कि मार्केट कैप्चर कर लेंगे पूरी की पूरी, छोड़ेंगे नहीं, जितने बड़े प्लेयर हैं सबको मार्केट से आउट कर देंगे, हमें हमारी मार्केट पोजीशनिंग बहुत तगड़ी चाहिए, मार्केट स्टैंडिंग बहुत बढ़िया चाहिए, हमारी मार्केट शेयर बहुत बड़ा होना चाहिए। और आज बताओ आज क्या हालात है, वेयर इज BSNL, एग्जिस्ट नहीं करता, वेयर इज टाटा डोकोमो, खत्म, एयरसेल खत्म, यूनिनॉर खत्म, वोडाफोन आइडिया मर्ज हो चुकी हैं, ह्यूज लॉसेस में, ह्यूज लॉसेस बेटा, मार्केट शेयर लगभग ऐसा हो चुका है, अकेले जियो के पास 75% मार्केट है, 75%, 25% में से 20% एयरटेल के पास है, 5% आइडिया वोडाफोन वी, पूरी मार्केट उड़ा दी भाई। बेटा कंपनीज का नहीं होता प्रॉफिट अर्निंग, मल्टीपल ऑब्जेक्टिव साथ साथ चलते हैं, ठीक है प्रॉफिट अर्निंग इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ऑब्जेक्टिव, पर बेटा मार्केट स्टैंडिंग एक बहुत तगड़ी चीज है, समझते हैं मार्केट स्टैंडिंग, मार्केट स्टैंडिंग बोल लो, मार्केट शेयर बोल लो, मार्केट कैप्चरिंग बोल लो, योर पोजीशन इन कंपैरिजन टू योर कॉम्पिटिटर बोल लो, कस्टमर बेस बोल लो, सब एक जैसी बात है। मैंने 5 वर्ड दे दिए इसको, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं वो डोमिनेटर भी बोल सकते हो, क्या होता है, कोई दिक्कत नहीं, एक जैसी बात है, आगे बढ़ाए बात को पक्का से बाबू, ठीक है जी समझ में आ गया। मार्केट शेयर भी बढ़ाने की सोचती होंगी कंपनियां प्रॉफिट के साथ साथ, और कुछ भी सोचती हैं बाबू, एक और ऑब्जेक्टिव है इनोवेशन, और ऐसा मुझे नहीं लगता बेटा कोई भी एक बच्चा हो जो इसको, जिसका मतलब ना पता हो इसका, इनोवेशन का मतलब सबको पता है, सबने सुना है ये वर्ड, सुना है सबने, 9th क्लास 10th क्लास 8th क्लास सब सुनते आ रहे इनोवेशन, ये तो फिर बहुत अच्छी बात है, जब आप ये कह रहे थे ना मैंने सुना, मुझे बहुत अच्छा लगता है, ठीक है जी। बाबू जिस जिसने भी इनोवेशन का मतलब सुना है कुछ भी बोलो इनोवेशन के बारे में, मुझे जानना है, एग्जाम्पल छोड़ के, बट इस इनोवेशन ये बताना, डोंट टेल मी 4G आ जाना इनोवेशन है, 5G वो तो मैं बाद में देख लूंगा, 4G 5G क्या, हाँ शुभम किसी चीज का इन्वेंशन करना यही, हाँ जी सर, नई टेक्नोलॉजी बहुत बढ़िया, रेवोल्यूशन बहुत बढ़िया, और बताओ किसी चीज को मॉडर्नाइज करना, किसी प्रोडक्ट को मॉडर्नाइज करना बहुत बढ़िया, और कुछ न्यू आइडियाज, बहुत अच्छा ये वर्ड मेरे को सुनना था, बहुत बढ़िया, और माई कुछ कहना चाहते हो, इनोवेशन वर्ड सुना है सबने, हाँ जी सर, सात्विक भाई कुछ कहना चाह रहे हो आप, अरे बता दे, अरे ऐसा थोड़ी होता है, कैसे बता भाई कुछ इनोवेशन कह रहे हैं बस, अच्छा इकट्ठा हो गया इनके सारे की बात को इकट्ठा कर दो तो इनोवेशन हो गया, चलो मेरी बात सुनो बाबू, इनमें से कुछ कुछ बात ठीक है,
कुछ कुछ बात बहुत गलत है, बहुत गलत। सर मैंने ना आपको कभी ना इंडियन ऑथर और फॉरेन ऑथर में एक फर्क बताया था। फॉरेन ऑथर पता है क्या करता है, बेचारा 3 लाइन की डेफिनेशन लिखता है किसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए। इंडियन ऑथर उसमें से पता क्या करता है, 2 वर्ड काटता है, नीचे अपना नाम चिपकाता है, कहता है डेफिनेशन मैंने दी। उसे लगता है वो 2 वर्ड लिखने से सब कुछ सही हो जाएगा, जैसा अभी खुशी ने किया। न्यू आइडिया, लोग बोलते हैं न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू आइडिया, न्यू टेक्नोलॉजी इनोवेशन है सच में। चलो अच्छा भी करेंगे बात। डेफिनेशन पहले फॉरेन ऑथर ने क्या दी मैं वो बताता हूँ। लोकोत्तर, सब सामने देखना, डेफिनेशन पढ़ो फटाफट से। न्यू आइडियाज और मेथड्स ऑफ प्रोड्यूसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस इज इनोवेशन। ऐसी डेफिनेशन फॉरेन ऑथर ने दी, इंडियन ऑथर ने क्या करा, बात का सब उड़ाया, लो जी अपना नाम चिपकाया, जी ये डेफिनेशन में किया भाई। खुशी है, खुशी लो सुनना। अच्छा एक बात बताओ, न्यू आइडिया न्यू मेथड इनोवेशन है ऐसा बच्चे बोलते हैं, पर बाबू सच में नहीं है। मेरे दिमाग में बर्ड बिल्कुल नया आइडिया है, मैंने आज तक आपके थप्पड़ नहीं मारा, मेरे दिमाग में बिल्कुल नया आइडिया कि आज मैं सबके एक थप्पड़ मारू, इट इज इनोवेशन। आपने बोला न्यू आइडिया इनोवेशन होता यार, आपने बोला यार, मैं यही तो फर्क बताना चाह रहा हूं आपको इंडियन ऑथर और फॉरेन ऑथर में। बेटा नया आइडिया सोचकर कुछ भी प्रोड्यूस करना, कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट करना, कोई भी गुड्स कोई भी सर्विस, इट इज इनोवेशन। चलो जी बात को आगे बढ़ाते हैं। बेटा नया आइडिया सोच के गुड्स बनाना, मैं कहता हूं इसके तो शायद हजारों एग्जाम्पल होंगे। नया आइडिया सोचकर कोई भी गुड्स प्रोड्यूस करना, हजारों एग्जाम्पल है। स्टार्ट करते हैं एक एक करके। वो ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन हुआ करते थे, कलर टेलीविजन आना, कलर के बाद फ्लैट स्क्रीन, देन बेटा कर्व टीवी, प्लाज्मा टीवी, क्या ये सब इनोवेशन के ही एग्जाम्पल है जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम देखते आ रहे हैं, सब इनोवेशन है बाबू। 2G, 3G, 4G, 5G, बहुत जल्दी 6G, इनोवेशन है, बिल्कुल इनोवेशन है सर। जो मैं बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ, सबको समझ में आ रही है बात, ये नया आइडिया सोच के नया गुड्स प्रोड्यूस किया जा रहा है, ठीक है जी। बेटा ब्लैक एंड व्हाइट कीपैड मोबाइल फोन आना, उसके बाद बेटा कलर्ड कीपैड फोन आना, देन स्मार्टफोन, और पता नहीं उसके बाद कितने रेवोल्यूशन, फोल्ड, फ्लिप, सब इनोवेशन है। नया आइडिया सोच के गुड्स प्रोड्यूस हो रहा है, ये तो इनोवेशन है ही, कोई डाउट ही नहीं है मुझे इस बात में। अच्छा आगे बढ़ाते हैं बात को। नया आइडिया सोच के गुड्स डिस्ट्रीब्यूट करना, नया आइडिया सोच के गुड्स डिस्ट्रीब्यूट करना, क्या ये भी इनोवेशन है? चलो जी नया आइडिया सोच के गुड्स डिस्ट्रीब्यूट करने का एग्जाम्पल। बेटा पुराना एग्जाम्पल पहले, फिर नया, एमेजॉन, स्नैपडील, फ्लिपकार्ट, क्या कर रहे हैं? नया आइडिया सोच के गुड्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, वो प्रोड्यूस नहीं कर रहे। क्या ये इनोवेशन था? बिल्कुल था जब आया था। इससे भी बिल्कुल लेटेस्ट एग्जाम्पल जोमेटो, स्विगी। नया आइडिया सोच के गुड्स प्रोड्यूस नहीं करे, रेस्टोरेंट वैसे के वैसे हैं, उन्होंने नया आइडिया सोच के गुड्स डिस्ट्रीब्यूट करा, क्या ये इनोवेशन था? बिल्कुल था बाबू। व्हाट अबाउट यूपीआई? नया आइडिया है सर्विसेस देने का, ये फाइनेंशियल सर्विसेस कहलाती हैं, यूपीआई के थ्रू जो पेमेंट होती है, क्या ये इनोवेशन था? बिल्कुल इनोवेशन था। हाँ बिल्कुल, लेकिन गुड्स डिस्ट्रीब्यूट ही तो कर रहे हैं। हाँ वो उनको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं रेस्टोरेंट को, हमें तो गुड्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। और उनका अगर रेस्टोरेंट के साथ रिलेशन देखा जाए अलग है, हमारे साथ देखा जाए बिल्कुल अलग है। बाबू बात समझ में आ रही है अभी तक सारी बात? अब एक बात बताओ, कंपनी का ऑब्जेक्टिव से भी होता है सिर्फ प्रॉफिट कमा लो, साइड हो जाओ, इनोवेशन नहीं सोचती कुछ कंपनियां? अच्छा नहीं सोचेंगे, प्रॉफिट कमा लेंगे, ईमानदारी से बताना। आज सैमसंग सोच ले कि मैंने जितने फोन प्रोड्यूस कर दिए बहुत बढ़िया, बस इसके बाद कुछ नहीं प्रोड्यूस करूंगा, सर बढ़ देगी आगे? सर बढ़ सकती है आगे?
अगर सैमसंग फोल्ड और फ्लिप ना लाता तो बाबा वो सच बता रहा हूं, मार्केट शेयर बहुत तेजी से फॉल हो रहा था सैमसंग का। ये जो सैमसंग बाद में सीरीज निकाल रहा था ना, ए सीरीज और एम सीरीज, पिट गई थी बहुत बुरी तरीके से। अगर ये जेड फोल्ड जेड फ्लिप ना निकलते ना तो मार्केट शेयर बड़ी तेजी से गिर जाता। सर ये इनोवेशन ही है जो टिका के रखता है आपको मार्केट में, ठीक है ना। व्हाट अबाउट फायर बोल्ट, एक कंपनी है स्मार्ट वॉचेस बनाती है, ठीक है ना। मजाक सेट के बोल रहा हूँ बेटा, लास्ट ईयर ना 365 दिन में से 365 मॉडल लॉन्च करे, यानी कि एक दिन सो के उठो अगले दिन सुबह एक नया मॉडल होता है उनका। एवरेज में 365 दिन में 365 मॉडल। सर आप लोगों की डिमांड देखो, फायरबोल्ट है, हसरे कंपनी ही है। ऐसी हजरा था मेरा पहले दिन तो आया था, ये 10वीं कितने पास कर दिया, मैं गलत पंगा लेता है ये नाइक है मेरे हाथ में, भूल गया तो नोएस कैम से हूँ मैं। इधर देखना जी, बात समझ में आ रही है। बट पता है कितने मिलियन प्रोडक्ट सोल्ड है, कुछ भी चिपका देती है ना। 1 करोड़ से ज्यादा प्रोडक्ट बेच चुकी है इंडियन मार्केट में, कुछ नहीं होता। लग रहा है ना चुनना, ये भी लगाने का आर्ट है, मैं भी तो तेरे को लगा ही रहा हूं, आर्ट है भाव। इसी बात के तो पैसे हैं, वरना हम भी आपके जैसे हैं। इधर देखो बेटा, बात समझ में आ रही है। सर इनोवेशन के बिना शायद कोई भी कंपनी मार्केट में टिकेगी नहीं। सर कंपनियां एम लेती हैं प्रॉफिट कमाएंगी, लेकिन साथ साथ सोचती हैं मार्केट कैप्चर भी करनी है और बेटा कस्टमर को नए नए प्रोडक्ट भी दिखाने हैं, वरना कस्टमर नहीं टिकेगा आपके पास। समझ में आ रही है बेटा सारी बात, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। बात को आगे बढ़ाएं बेटा, आगे बढ़ाते हैं बात को। एक थर्ड नंबर पर हेडिंग आती है प्रोडक्टिविटी, बहुत कमाल की हेडिंग है, सब सामने देखेंगे और इसके बाद में शायद रीड करने का मौका दूंगा आपको नोट से टॉपिक, ठीक है जी। ये तीन हेडिंग रीड करने का मौका दूंगा बाबू। प्रोडक्टिविटी क्या चीज होती है समझते हैं। एक बात बताओ, मेरी ऑर्गेनाइजेशन में आज एक एम्प्लॉई आया, ठीक है, मैंने उसको बिना ट्रेनिंग दिए 100 यूनिट्स ऑफ इनपुट दे दिए। मैंने कहा एक काम कर, ये 100 यूनिट है रॉ मटेरियल की, इससे क्या कर फिनिश गुड्स बनाकर दिखा, ट्रेनिंग नहीं दी, ठीक है। वही करेगा जो आप सोचते हो, जो मैं सोचता हूं, बहुत सारी वेस्टेजेस करेगा, बहुत सारी वेस्टेज करेगा। वो उसने क्या करा, 70 यूनिट खराब कर दी और 30 यूनिट मान लो कि सही बना दी, ठीक है, 30 यूनिट सही बना दी, 100 यूनिट का रॉ मटेरियल दिया, 70 खराब कर दी, 30 सही बना दी। वो किसी भी कंपनी की प्रोडक्टिविटी पता क्या होती है, रेशो ऑफ आउटपुट इन कंपैरिजन टू द रेशो ऑफ इनपुट। मतलब मैं बोल सकता हूं इस एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी 30% है, रीड करना आना चाहिए रटना नहीं, 30% है प्रोडक्टिविटी। मैंने कैसे डिसाइड किया, रेशो ऑफ आउटपुट इन कंपैरिजन टू द रेशो ऑफ इनपुट। अगर 30% उसकी प्रोडक्टिविटी है, इससे समझ जाना चाहिए कि अगर इसको 100 यूनिट देंगे ना रॉ मटेरियल की, ये बस 30 ही सही बना पाएगा आउटपुट, ठीक है जी। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, ठीक है। इस एम्प्लॉय को बोल जाते हैं मैंने, अच्छा एक बात बताओ, किसी कंपनी की प्रोडक्टिविटी 100% होती है क्या यार जिंदगी में? ना 100% ऐसी ना कोई चीज नहीं होती, कुछ ना कुछ वेस्टेज जरूर होती है। बाबू किसी भी कंपनी की प्रोडक्टिविटी आपने सुना है 100%? सुना सर, मुझे नहीं लगता जिंदगी में 100% प्रोडक्टिविटी जैसी कोई चीज होती है। कुछ ना कुछ वेस्टेज किसी ना किसी फील्ड में हमेशा मिल जाएगी आपको। एक बात बताओ, आप फैब्रिक लेकर आते हो कोट पैंट सिलवाने के लिए, शर्ट सूट सिलवाने के लिए, सर 100% यूज हो जाता है? कुछ वेस्टेज होती है फैब्रिक में, होती नहीं, होती है। घर पर फर्नीचर बनवाना है, प्लाईवुड खरीद कर लाए, सर 100% फर्नीचर में यूज हो जाता है? कुछ बचता है, कुछ ना कुछ वेस्टेज होती है। मानते हो दुनिया के हर प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ वेस्टेज होती है,
और बाबू हर ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉय कुछ ना कुछ वेस्टेज करता है, हर ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉय करता है। अच्छा एक बात बताओ, आप बहुत अच्छे मूड से आज स्कूल गए, उठ के बहुत अच्छे मूड से, क्या जाऊंगा मस्ती करूंगा, बच्चे कह रहे क्या बात कर रहे, अच्छे मूड से वो भी स्कूल, नहीं वो तो बात ठीक है कि नहीं जाया जाता, पर गए मान लो आज बहुत अच्छे मूड से और टीचर आई पहले पीरियड में दो लगा दिए, मैं मुझे बताओ आज करोगे क्या पूरा दिन? आज बाबू वही करोगे आप, स्कूल के रिसोर्सेस पे गुस्सा, मन तो करेगा टीचर के बदले में दो लगाए जाए, पर बाबू इतना है हिम्मत थोड़ी आपकी, स्पेशली इन स्कूल, वो बात अलग है बाहर मिल लो। तो सर करोगे क्या आज, स्कूल के रिसोर्सेस पे गुस्सा निकालोगे? बड़ा ऑब्वियस आंसर है, ठीक है ना, आज कोशिश करी जाएगी कंपस लून लो स्कूल की डेस्क में तेरी ऐसी की तैसी, ठीक है ना, टॉयलेट में जाके अपनी बड़ास निकालोगे, कुछ ना कुछ लिखोगे टीचर के बारे में, और क्या करोगे तुम, ठीक है ना, थोड़ा सा कैमरा का विजन खराब करने की कोशिश करोगे, मतलब मैं सारे आइडिया दे रहा हूँ तुम्हें क्या क्या करना चाहिए। सर सॉइल फेंक दोगे बच बचा के, विजन खराब करोगे कैमरे का, ये सब कुछ कर सकता है आदमी। सर सर सेम काम अगर ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय के साथ हो जाए तो, एम्प्लॉय क्या बहुत अच्छे अमाउंट से सुपरवाइजर ने भाई साहब आज बैंड बजा दी जाते, क्या होगा? जो काम आप स्कूल में करते हो वो काम वो ऑर्गेनाइजेशन में करेगा, वो रिसोर्सेस पे गुस्सा निकालेगा ऑब्वियसली रॉ मंडल के ऊपर, जानबूझ के दिखाएगा मेरे में से मिस हैंडल हुआ, गिर जाएगा, तोड़ देगा, ये सब कुछ करेगा। तो बाबू किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी, भावे भाई सामने देखो, हो सकता है दिमाग में कुछ और बातें भी हो आपके, स्कूल के रिसोर्सेज को कैसे खराब करना अभी जान लेंगे हम आपसे। बाबू किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी 100% नहीं होती है, मैंने समझाने की कोशिश करी, क्योंकि एम्प्लॉय कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा ही करेगा, ठीक है ना जी। मान लो मैं बोलता हूं रिलायंस की प्रोडक्टिविटी ऐसे है, सामने देखो बेटा, 100 यूनिट ऑफ इनपुट वो यूज करते हैं, 5 यूनिट वेस्टेज है, और बेटा उनका आउटपुट 95 यूनिट्स है, दैट सिंपली मीन्स उनकी प्रोडक्टिविटी 95% है। मान लो रिलायंस की प्रोडक्टिविटी 95% है, ठीक है जी। बेटा अगेन मैं वो बात बोलूंगा, आपको क्या लगता है सिर्फ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, सिर्फ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए ऑर्गेनाइजेशन बनी है? सर ठीक है मार्केट सेंडिंग भी बहुत जरूरी है, ठीक है इनोवेशन भी जरूरी है, बाबू आपको आइडिया भी नहीं होगा, रिलायंस भी हर साल सोचता होगा कि मेरी प्रोडक्टिविटी बस 95 से 96 हो जाए, बस मुझे सोच चाहिए बस मेरी प्रोडक्टिविटी 1% बढ़ जाए, बस 1% प्रोडक्टिविटी, 1% बढ़ने का मतलब समझते हो, यानी कि 1% वेस्टेज कम हो जाए, यानी कि वेस्टेज 4 पहुंच जाए और ये 96 हो जाए, तभी तो 1% बड़ी प्रोडक्टिविटी। अब वो रिलायंस के लिए 1% प्रोडक्टिविटी बनना पता कितने लाख करोड़ है, उन्हें तो कुछ भी नहीं करना, 1% अगर उनकी वेस्टेज कम हो जाए तो कम से कम 5-7-10 हजार करोड़ ऐसे बढ़ जाएंगे उनका प्रॉफिट। सर उनको जरूरी है क्या एम लेना प्रॉफिट अर्निंग? प्रॉफिट अर्निंग तो वो यहीं से कर लेंगे, अगर वो ये एम ले लेना कि मुझे मेरी ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करनी है, एम्प्लॉय की वेस्टेजेस रोकनी है, एम्प्लॉय को साइंटिफिकली ट्रेन करना है ताकि वो वेस्टेज कम से कम करे, हाई एंड इक्विपमेंट लगाने हैं वो वेस्टेजेस कम से कम करे, सर पता नहीं कितने हजार करोड़ कमा जाएंगे। बाबू कंपनी सिर्फ ये नहीं सोचती कि मेरे को बस एक प्रॉफिट ही कमाना है, अब ये समझो कितनी और चीजों पे फोकस है। मैंने एक टाइम पर एक ऑडिट किया था आईटीसी का, सारंगपुर आईटीसी का डीएनडी ऑडिट, ठीक है ना, ये डू नॉट डिस्टर्ब नहीं है, ठीक है ना जी, डीएनडी ऑडिट सीएस को ही मिलता है, डैमेज एंड डिस्ट्रॉय ऑडिट, ठीक है ना जी, मैं बता देता हूँ क्या चीज होती है इस ऑडिट में, मतलब ऐसे तो सीए लायक काम नहीं है, पर एक प्रोडक्ट बनाता है आईटीसी नोन एज सनफीस्ट बिस्किट, सबने सुना है ना सनफीस्ट बिस्किट का नाम, पार्ले जी जैसे हैं सनफीस्ट बिस्किट। बाबू मतलब मैं सोचता हूँ कंपनीज के क्वालिटी मार्क देखो यार, मतलब अपने लिए कितने हाई स्टैंडर्ड है, मतलब आपको तो शायद बात पता भी नहीं होगी, मैं फर्स्ट टाइम शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, शायद कभी किसी ने शेयर भी नहीं की होगी ऐसी बात। तो मुझे क्या करना था बेटा, सनफीस्ट बिस्किट जो डैमेज थे ना
उनको ना एक जंगल में जलवाने जाना था और पूरे स्टॉक की रिपोर्ट बना के मैनेजमेंट को देनी थी, कितना स्टॉक है, कितने केजी है, सब कुछ सारी डिटेल देनी थी मैनेजमेंट को, रिपोर्ट करना था, ये ऑडिट मिला था। ठीक है, एक असाइनमेंट था छोटा सा। मैंने क्या देखा कि कई बार क्या होता है मशीन में, जैसे वोल्टेज का इशू होता है ना, मशीन भी गलत काट जाती है बिस्किट। ठीक है, तमाम मान के सब्जो एक बिस्किट है, प्रॉपर है शेप में, रेक्टेंगल शेप है, मशीन ने हल्का सा साइड में काट दिया, इतना सा बिस्किट टूटा है, उन्होंने ठाके साइड फेंका हुआ है। मैंने पूछा बिल्कुल ठीक था बिस्किट में क्या कमी है, कहता सर हमारे सबसे डैमेज है। मैंने कहा यार खाने की चीज़ें तुम जलवा रहे, मुझसे एम्प्लॉय को खिला दो। कहता हमारे सबसे डैमेज है, हम ऐसी चीज अपने एम्प्लॉयज को भी नहीं देते। तो मैंने उस दिन एक बात सोची कि अगर मैं किसी रिटेलर की दुकान से आज सनफेस बिस्किट उठाकर खा लूं और अगर वो बीच में अगर टूटा निकल जाए, तो यानी कि मैं अज्यूम करके चलूं 110% या तो ये ट्रांसपोर्टेशन में टूट गया या रिटेलर की मिस हैंडलिंग की वजह से इसकी दुकान पे टूटा, मतलब वहां से एक बिस्किट टूटा हुआ। तो बहुत दूर की बात बता रहा हूं मैं आपको, एक हल्की सी किनारी भी टूट जाए ना भाई साहब, तो उनके लिए वो डैमेज है। आप सोच कर देखो कंपनीज के क्वालिटी मार्क, और वो सोचो ना अगर उनकी प्रोडक्टिविटी 1% बढ़ जाए, आईटीसी जैसी कंपनी जिसके प्रॉफिट 30,000 करोड़ के आसपास है, 1% भी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो जाए, तो वो कितने करोड़ की सेल ऊपर जाएगी, कितने 100 करोड़ के मुनाफे आएंगे। तो वो कंपनी का एम सिर्फ प्रॉफिट अर्निंग नहीं हो सकता, अब ये तो समझ लो, प्रॉफिट अर्निंग से ऊपर बहुत सारी चीजें, मार्केट सेंडिंग की मैंने आज बात कर दी, इनोवेशन की मैंने बात कर दी और प्रोडक्टिविटी की बात कर दी। इधर देखना, मार्केट सेंडिंग क्या है, मार्केट कैप्चरिंग, मार्केट शेयर, कस्टमर बेस, योर पोजीशन इन कंपैरिजन टू योर कॉम्पिटिटर, ये सब एक जैसे वर्ड है। इनोवेशन क्या है, न्यू आइडिया, न्यू आइडियाज और मेथड्स ऑफ प्रोड्यूसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेस। ठीक है, एग्जाम्पल भर भर के है, हर एक में भर भर के है, मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल देने की कोशिश करी आपको। और उसके बाद बेटा हमने बात कर ली प्रोडक्टिविटी की, प्रोडक्टिविटी क्या है, रेशो ऑफ आउटपुट इन कंपैरिजन टू द रेशो ऑफ इनपुट। ठीक है, अगर मैं कहूं किसी कंपनी की प्रोडक्टिविटी 85% है, क्या समझे, मतलब वेस्टेज कितने परसेंट है, 15%, यानी कि हर 100 में से 15 यूनिट खराब करते हैं, 85 प्रोड्यूस करते हैं। भैया रट्टो मत, ये रटने की चीज भी नहीं है, कोई भी ना रटे, समझ में आ रहा है ना। अगर मैं बोल रहा हूँ प्रोडक्टिविटी 85% है, सब समझते हैं मतलब प्रोडक्टिविटी का, पक्का से क्लियर। चलो जी, आज के लिए रखेंगे इतना ही प्यारे बच्चों, बाय बाय।